पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर योगा वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये वर्कशॉप 2 सेशन में होगा और इसमें दुनिया के बड़ी कंपनियों के सीईओज हिस्सा लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा जरूरी है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर इतिहास में पहली बार योग हो रहा है और आज हमारे आचार्य भारद्वाज जी जो MCA किए हुए हैं, व्याकरणाचार्य योगाचार्य हैं, और आचार्य स्मिथ जी जो MIT किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वो व्याकरणाचार्य योगाचार्य दोनों हमारे शिष्य हैं। और ये योग का भारत का पतंजलि योगपीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल मोदी जी के साथ इनका डिनर भी रखा है और सुबह शाम 2 समय सत्र होंगे और वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो उन सेशंस को अटेंड करेंगे। योग किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, डिविनिटी को बढ़ाता है, कैसे हम योग से बाह्य रूप से प्रॉस्पेरिटी और आंतरिक रूप से पीस पा सकते हैं, तो ये समृद्धि और शांति का मंत्र वहाँ पर गूंजेगा। और योग तो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व के सूत्र में बांधने वाली विद्या है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी के लिए योग से बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता। तो वेल्थ के साथ हेल्थ, और एक तरह से मैं कहूँगा यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल वेल्थ, यूनिवर्सल पीस का डंका इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजने वाला है। दोनों समय योग का सेशन होगा 3 दिनों तक और 45 मिनट्स का उसका टाइमिंग रखा गया है। मुझे लगता है यह अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से ही हमें निमंत्रण आया, यद्यपि उसमें मुझे भी जाना था, लेकिन क्योंकि निमंत्रण थोड़ा देर से आया इसलिए हमने अपने प्रतिनिधि के तौर पर आचार्य स्मिथ जी को और आचार्य भारद्वाज जी को भेजने का निश्चय किया, क्योंकि यह भारत भारतीयता के लिए गौरव की बात है और योग को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठापित करने का एक स्वर्णिम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर बी चैनल ऑन YouTube एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। 9480006363 कांटेक्ट अस फॉर न्यूज़, इवेंट्स एंड प्रोग्राम कवरेज।